चलिए आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, इसके डेफिनेशन, इसके स्ट्रक्चर और इसके कुछ यूज़ को हम जान लेते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट। इट शोज दैट वन इवेंट वॉज इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर इवेंट अकर्ड। सो पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट में किसी एक एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, जो एक्शन एक कंटिन्यू तरीके से चल रहा होता है, ठीक है, एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक कंटिन्यू तरीके से चल रहा होता है। और यह दिखलाता है कि एक इवेंट जो है वो प्रोग्रेस में है जब दूसरा इवेंट वहाँ पर अकर होते हैं। जैसे कि आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, या मेरा जो पढ़ने का काम है पास्ट में 2 घंटे आगे से लेके, ठीक है, जहाँ तक मेरी पढ़ाई हो रहा था उस एक पॉइंट से लेके दूसरी पॉइंट तक मेरी जो पढ़ने वाला काम जो था वो कंटिन्यू तरीके से चल रहा था, वो एक प्रोग्रेस में था। तो इस तरीके से जो समय हमें बताए उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की ओर। सो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉजिटिव में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म। एग्जांपल, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर आई टुक अ ब्रेक, ठीक है, मैंने ब्रेक लेने से पहले 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। नेगेटिव बनाने के लिए बस आपको पॉजिटिव में ही उसमें उसके बगल में हैड लगाना पड़ता है, बीन के आगे और हैड के पीछे ऐसे बीच में नॉट लगाना पड़ता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल है, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग बिफोर आई गॉट टायर्ड, मैं थक जाऊँ उससे पहले मैं उतना लंबा समय से नहीं पढ़ रहा था। क्वेश्चन भी बना सकते हैं, उसके लिए हमें हैड को आगे लाना पड़ता है सब्जेक्ट को पीछे, हैड प्लस यू प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने यहाँ पर यू लगाया हूँ लेकिन ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट लग सकता है। एग्जाम्पल, हैड यू बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग बिफोर यू वेंट टू बेड, तुम बेड में जाने से पहले कितने मतलब लंबे समय से पढ़ रहे थे। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछना है तो इस स्ट्रक्चर के साथ हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ बनाना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ के बारे में, ठीक है। सबसे पहला यूज है टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक कार्य पास्ट में एक पॉइंट से शुरू हुआ है और वो कंटिन्यू होते होते एक पॉइंट तक आकर ख़त्म होता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर आई टुक अ ब्रेक, पढ़ रहा था एक ब्रेक लेने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक लेने से पहले जो मेरा पढ़ने का काम था, एक मेरा पढ़ना जो है एक पॉइंट से शुरू हुआ और आकर जब ब्रेक लिया, ठीक है ना, जिस पॉइंट से शुरू हुआ और जब आकर मैंने ब्रेक लिया तो उस बीच में जो एक एक्शन मेरा पढ़ने वाला काम कंटिन्यू रहा, ऐसे सेंस में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है। और दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ बिफोर इट वॉज कम्प्लीटेड, ठीक है, वे प्रोजेक्ट के ऊपर महीनों से काम कर रहे थे ये कम्प्लीट होने से पहले, ठीक है ना, जब तक ये कम्प्लीट हुआ। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट से वे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लगा, ठीक है ना, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लगा और जब ये कम्प्लीट हुआ, कम्प्लीट होने तक और जिस पॉइंट से वो प्रोजेक्ट करने का काम शुरू हुआ, तो इस बीच में जो ये एक्शन प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने वाला काम, ठीक है, जो प्रोजेक्ट ऊपर काम हो रहा था, एक प्रोजेक्ट ऊपर जो काम हो रहा था वो इतना लंबे समय तक, इतना पीरियड तक वो चला, ठीक है ना, जब तक वो कंप्लीट हुआ। तो उस पॉइंट में जो एक कंटिन्यूटी रहा उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है। सो दूसरा यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है टू एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दैट अकर बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। तो जैसे कि दूसरा यूज़ क्या है कि कोई ऐसी एक्शन, ठीक है, जो एक्शन के ड्यूरेशन को बताता है, जो एक्शन किसी एक दूसरा एक्शन के आगे हुआ हो। जैसे एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर, आई हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स बिफोर द बस अराइव, ठीक है, बस अराइव एक एक्शन वन है। ये बस अराइव होने से पहले, बस पहुँचने से पहले मैंने घंटों तक क्या किया था, वेटिंग किया था, घंटों तक प्रतीक्षा किया था। तो जो ये मेरा वेट करना जो है एक लंबे समय तक, घंटों तक वेट करना, तो जो वेट करने वाला जो कार्य है उसी को यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। दूसरा है, सी हैड बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर ईयर्स बिफोर सी गेव हर फर्स्ट कॉन्सर्ट, ठीक है, फर्स्ट कॉन्सर्ट देने से पहले वह सालों से पियानो प्रैक्टिस कर रही थी। तो जो यहाँ पर सालों से प्रैक्टिस करने वाला जो एक्शन जो है, ठीक है, इसी को यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video.